हेलो एवरीवन, तो आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी का 16th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज। तो आपको पता है कि हमारी अर्थ पे पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, और ये हम अपने पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है वो अब पहुंच चुकी है 7.4 बिलियन तक। अब जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हम रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूज करते हैं, तो साथ ही साथ क्या कॉज होता है? कॉज होता है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन होता क्या है? कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आता है अगर हमारे एयर, लैंड, वाटर या सॉइल में, जिसमें उसके फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं और वो चेंजेस बहुत ही अनडिजायरेबल है, यानी हम नहीं चाहते हैं। ऐसे ही चेंजेस कॉज होने की वजह से हम बोलते हैं कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है। यहां पर आपको इस फिगर में एयर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल दिख रहा है, और साथ ही साथ आपको दिख रहा है लैंड, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन भी। अभी जो पोल्यूशन कॉज हो रहा है, किसी ना किसी एजेंट्स की वजह से कॉज होता है। तो जो एजेंट्स पोल्यूशन को कॉज करते हैं, हम उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। तो जो भी एजेंट्स अनडिजायरेबल चेंजेस लेकर आ रहे हैं या फिर पोल्यूशन को कॉज कर रहे हैं, उन एजेंट्स को हमने नाम दिया पोल्यूटेंट्स का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया 1986 में, और इस एक्ट के चलते हमने बात की हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। तो आपके सामने अब जो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम सारे ही कंपोनेंट्स को सीख लेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हम उसके साथ शुरू करेंगे, जिसका नाम है एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से इस चैप्टर के, जिसका नाम है एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। हमने पॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी। तो जो पॉल्यूशन एयर में कॉज हो रहा है, हम उसको एयर पॉल्यूशन बोलेंगे। बाय डेफिनेशन अगर देखें तो अगर टॉक्सिक केमिकल्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं एयर में, और इस हद तक प्रेजेंट हैं, इस लेवल तक प्रेजेंट हैं कि वो हेल्थ रिस्क कॉज कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले कॉन्सेप्ट वीडियो से एयर पॉल्यूशन में, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम एयर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। आप सोच सकते हैं हम एयर पे किस तरीके से डिपेंडेंट हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे लिए एयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रेस्पिरेशन के लिए। अगर एयर ही नहीं होगी तो हम रेस्पायर कैसे करेंगे? अब अगर आप सोचिए कि इसी एयर में पॉल्यूटेंट्स ऐड हो गए या फिर पॉल्यूशन कॉज हो गया, तो क्या होगा? तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में अगर पोल्यूशन कॉज होगा तो क्या होगा कि भाई उनकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, साथ ही साथ उनकी यील्ड भी कम हो जाएगी और प्री मैच्योर डेथ होगी प्लांट्स की। तो जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। मतलब अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पोल्यूटेंट्स होंगे या फिर ज्यादा देर तक एक्सपोजर रहेगा पोल्यूटेंट्स का, तो ऑर्गेनिजम्स को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा।